हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग है वो चल रही है, थर्ड डे ऑफ काउंसलिंग था। उसका सीट मैट्रिक्स मैंने अपने जो मेरा ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप और मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है और जो मेरा टेलीग्राम चल रहा है वहाँ पर मैंने अपलोड किया था। मैं दो दिन से वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाया रिगार्डिंग दिस सीट मैट्रिक्स। आई होप आज शाम को मैं वो वीडियो जो नेक्स्ट डे की काउंसलिंग है उसका वीडियो ज़रूर अपलोड कर दूँगा। अगर आप लोगों ने मेरा जो चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है और जो इंस्टाग्राम मेरा जो आईडी है, आप मुझे उधर भी फॉलोअप कर सकते हो। कई बार मैं अगर वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊँ तो मैं वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द सीट मैट्रिक्स या कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ पर भी फॉलोअप कर सकते हो। तो शाम को जो नेक्स्ट डे ऑफ काउंसलिंग है कल के लिए, उसका ज़रूर मैं सीट मैट्रिक्स अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो वो दूसरी वीडियो में अपलोड करूँगा। दूसरा, अब जैसे कि आपको पता है कि नीट की जो रैंक लिस्ट है वो रिलीज़ हो चुकी है फॉर द जे एंड के। दो स्टूडेंट्स हुए अप्लाइड फ्रॉम जे एंड के यूटी, अप्रॉक्सीमेटली 30,500 के आसपास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये कोर्स के लिए ऑप्ट किए फ्रॉम जे एंड के यूटी। तो उसका मैं थोड़ा सा सीट्स की अवेलेबिलिटी के बारे में मैं देख रहा था कि जो लास्ट ईयर का जो आपका सीट मैट्रिक्स था उसका मैंने कुछ डाटा कलेक्ट किया था। तो मैं सोचा उसके ऊपर एक छोटी सी एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार नीट का पेपर दिया है 31,000 के आसपास, थोड़े से कम ही है। तो जो लास्ट ईयर का जो इनके पास जो मेरे पास जो डाटा अवेलेबल था लास्ट ईयर भी, क्योंकि मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, तो मैं बोला चलो जब तक इनका अभी ब्राउचर तो आया नहीं है तो जो लास्ट ईयर का जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन पड़ी थी उसी को शेयर करूँ, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि कौन से कॉलेज में कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स है। और मे भी कोई कॉलेज अगर ऐड हुआ तो वो इस बार हमें पता चल जाएगा। जो लास्ट ईयर के थे तो उसमें थोड़ा सा आपको अपडेट मिल जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूँ पहले तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, जम्मू की जीएमसी, तो यहाँ पे इनका जो इनटेक था वो 180 का था, ठीक है, विच इंक्लूड्स 30 ईडब्ल्यूएस सीट्स, ठीक है। तो 30 ईडब्ल्यूएस सीट्स थी इसके अंदर, गवर्नमेंट की 180 सीट्स थी, इसमें 30 ईडब्ल्यूएस सीट्स थी इसी के अंदर में हुई थी। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की मैं बात करूँ, जीएमसी जम्मू की बात करूँ, उसके बाद अगर मैं जीएमसी श्रीनगर की बात करूँ तो यहाँ पर भी इनका जो इनटेक आ रहा है वो 180 का इनटेक आ रहा है। दोनों का इनटेक बराबर है और दोनों में ही 30 जो सीट्स हैं वो ईडब्ल्यूएस की सीट्स हैं, वो आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे। उसके बाद स्किम्स मेडिकल कॉलेज श्रीनगर केयर में बात करूं तो यहाँ पर जो सीट्स की अवेलेबिलिटी दिखा रहा है वो 125 की दिखा रहा है, जिसमें 25 जो सीट्स हैं वो आपकी ईडब्ल्यूएस की सीट्स हैं, ठीक है। फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग आता है इसमें, जो उसके पास जो सीट्स की अवेलेबिलिटी दिखा रहा है वो 100 सीट्स हैं टोटल, ठीक है। इसमें कैटेगरी की भी सीट्स होंगी लेकिन ये टोटल सीट्स इसके पास। कैटेगरी का भी अपडेट जो लास्ट ईयर का वो उसका भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास पड़ी, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर कर लेता हूँ। तो पहले आप इसको देख लीजिए नंबर ऑफ़ सीट्स का। फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में जो लास्ट ईयर का जो सीट्स थी वो इनके पास 100 की थी, ठीक है। उसके बाद वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी केयर में बात करूँ, जीएमसी रजौरी, तो यहाँ पर 115 सीट्स हैं, जिसमें जो 15 सीट्स हैं वो आपकी ईडब्ल्यूएस की सीट्स हैं, ठीक है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी केयर में बात करूँ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ की अगर मैं बात करूँ तो जीएमसी कठुआ में लास्ट ईयर 100 का इनटेक था इनके पास, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 100 थी, ठीक है, विच इंक्लूड्स कैटेगरी सीट्स ऑल्सो, ठीक है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की, जीएमसी डोडा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी 100 का इनटेक था, वो आप क्लियरली आप इसमें देख सकते हैं, जिसमें विच इंक्लूड्स कैटेगरी सीट्स ऑल्सो। फिर एसकॉम्स सिद्रा जम्मू केयर में बात करूँ तो लास्ट ईयर इनके पास जो सीट्स की अवेलेबिलिटी था वो 100 था, ठीक है। और इसमें इनमें और भी सीट्स थी, जैसे गवर्नमेंट की इसमें 40 सीट्स हैं, पी एंड बी की 10 सीट्स हैं और मैनेजमेंट प्लस एचएम की जो सीट्स हैं वो 40 और 10 एनआरआई सीट्स हैं। ये देखिए, ये 10 एनआरआई सीट्स हैं इनके पास, 40 गवर्नमेंट की सीट्स हैं, फिर इसमें ये मैनेजमेंट की सीट्स आ गई 40, और इसमें ये 10 जो सीट्स है वो पी एंड बी की सीट्स दिखा रहा है, पी एंड बी मैनेजमेंट प्लस एचएम, ठीक है। तो मैनेजमेंट प्लस एचएम की 40 सीट्स हैं इनके पास सिद्रा में जम्मू में, ठीक है। ये देखिए एनआरआई सीट्स, पी एंड बी, और ये 40 इनके पास, 100 में से 40 सीट्स हैं जो इनके पास गवर्नमेंट की हैं, ठीक है।
उसके बाद अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट इंदिरा गांधी डेंटल कॉलेज जम्मू की, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी जो इनका इंटेक दिखा रहा है वो 63 का इंटेक दिखा रहा है, ठीक है। और 13 सीट्स इसमें जो हैं वो आपकी EWS की सीट्स हैं, ठीक है। 63 में से EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज सिन्नर की अगर मैं बात करूँ, GDC श्रीनगर, तो यहाँ पर भी 63 का इंटेक है। वो 63 के इंटेक में से जो 13 सीट्स हैं वो आपकी कौन सी कैटेगरी की थी? EWS कैटेगरी की थी। फिर इंडियन सॉरी इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ डेंटल साइंसेज जम्मू की, ITS जम्मू की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर BDS की सीट्स हैं। ये दोनों BDS, ये तीनों BDS की सीट्स थी, ठीक है। MBS की सीट्स खाली 9 कॉलेजेस के अंदर थी। फिर ये जो 10 ऑनवर्ड्स जो कॉलेजेस हैं ये इसमें BDS की सीट्स आ रही हैं, जिसमें आपके पास इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज जम्मू में 40 का जो इनटेक है, ये आई थिंक इसमें गवर्नमेंट की ये सीट्स हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट की सीट्स हैं। 50 जो हैं ये आपकी आ गई मैनेजमेंट की, ठीक है। और ये जो 10 सीट्स हैं ये आ गई आपके NRI कोटा, ठीक है, BDS में। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जम्मू की मैं बात करूं, GAMC, इसमें BAMS की सीट्स जो हैं वो 50 हैं, वो 50 की 50 इसमें गवर्नमेंट की सीट्स हैं। तो फिर जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक पन तालाब जम्मू की मैं अगर मैं बात करूं, BAMS, इसमें 90 का इनटेक है। 60 सीट्स इनके पास गवर्नमेंट की हैं, 23 सीट्स हैं जो इसमें मैनेजमेंट की है, ठीक है। और 7 जो सीट्स हैं वो है आपकी PNB की सीट्स हैं, ठीक है। उसके बाद जम्मू कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी नादरी बंतलाब जम्मू में, यहाँ पर BPT की जो सीट्स हैं वो 60 का इंटेक है इनके पास, ठीक है। 60 में से जो 40 का इंटेक है वो है आपकी गवर्नमेंट सीट्स, 15 सीट्स हैं आपकी मैनेजमेंट की, ठीक है। 50 सीट्स हैं आपकी मैनेजमेंट की और 5 सीट्स हैं आपकी PNB की, ठीक है। फिर कंपोजिट रीजनल सेंटर बिमना श्रीनगर, यहाँ पर भी 25 सीट्स हैं जो टोटल हैं, वो 25 की 25 सीट्स जो है किसकी हैं, वो गवर्नमेंट की वो सीट्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन मेडिकल साइंसेस श्रीनगर में, इनके पास BUMS की जो सीट्स हैं वो भी 40 हैं, ठीक है। 40 में से 27 जो सीट्स हैं वो आपकी आ गई गवर्नमेंट की, ठीक है। उसके बाद 3 सीट्स हैं आपकी PNB की, ठीक है। और 10 सीट्स जो हैं वो है आपकी मैनेजमेंट कोटा, ठीक है, 10 सीट्स। उसके बाद कश्मीर में अनदर इंस्टीट्यूट है, इसमें भी BUMS की सीट्स हैं, ठीक है, कश्मीर में ही, ठीक है। वो तो इसमें भी 60 का इंटेक है, 40 गवर्नमेंट की हैं, 5 PNB की हैं, और ये जो 15 सौ सीट्स हैं ये मैनेजमेंट कोटे के अंडर ये सीट्स आती हैं। जो टोटल लास्ट ईयर में 18 इंस्टीट्यूट्स थे जो आपके इसके अंदर अंडर आ रहे थे, जैसे टेंटिव सीट मैट्रिक्स टू बी ऑपरेटेड फॉर द सेशन 2020 फॉर द MBC। ये मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी थी लास्ट ईयर की, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ, आपको एक आइडिया लग जाएगा लास्ट ईयर में कैसा कौन से कॉलेज से कितने नंबर ऑफ सीट्स थी, कितनी उसमें सीट्स मैनेजमेंट की थी, NRI की कितनी थी, इनटेक कितना था, उसमें से गवर्नमेंट की कितनी थी, BDS की होगी, BAMS की होगी, BUMS की होगी, BPT की होगी, ठीक है। आयुष कोर्सेज का भी आई थिंक अलग से इनटेक इसमें ये बताएंगे, तो या अलग से कुछ आएगा इन्फॉर्मेशन तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। दिस ईयर का देखते हैं कि वो क्या आता है इसमें, कौन से कॉलेज जो इसमें, जैसे 18 नंबर ऑफ कॉलेज टोटल ये बता रहा है, ठीक है। टोटल 18 नंबर ऑफ कॉलेज में अब हम देखते हैं कि इस साल कोई कॉलेज ऐड हुआ है कि नहीं। जैसे अब इसमें ये जो कॉलेज जो दिखा रहा है MBBS के लिए वो ये देखिए ये कॉलेज हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद आपके कठुआ डोडा और एस कॉम्स जो है वो एडिशनल ऐड अप हुए हैं, मतलब उनकी भी सीट्स हैं, ठीक है, 300 सीट्स इन तीनों को मिला के है लास्ट में। तो अब देखते हैं कि इस साल कोई कोई कॉलेज और तो नहीं ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर का सीट मैट्रिक्स है जिसको मैंने आपको डिटेल में बता दिया। बाकी अगर हम कैटेगरीज़ का देखें, जो लास्ट ईयर की कैटेगरीज़ का था वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 1 सेकेंड। तो फ्रेंड्स, जो लास्ट ईयर रिजर्वेशन के बारे में था वो आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो ओपन मेरिट के लिए इन्होंने 50% इन्होंने रखा हुआ था, रिजर्व कैटेगरी 50% थी, ठीक है, जिसमें से 8% जो थी वो SC की थी। और फिर उसके बाद ST में गुज्जर्स एंड बकरवाल जैसे उसका 6% था, और रेजिडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट ले उसमें 2% था, डिस्ट्रिक्ट करगिल 2% था, और 1% था आपका अदर्स,
ठीक है, जो रिजर्वेशन थी। फिर OSE की 2% कैटेगरी दिखा रहा था, RBA की 20% थी, ALC की 3% थी, फिर चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सन्स की 3% थी, ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ पैरामेडिकल फोर्सेस की 1% थी, और स्पोर्ट्स कोटा जो था वो 2% था। तो 50% ओपन मेरिट में और 50% आपकी रिजर्व कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई थी, ठीक है। MBBS BDS की जो सीट्स के अंदर जो ये रिजर्वेशन कोटा जो लग रहा था उसके अकॉर्डिंग था। अब इस साल का देखते हैं, मैं सोचा ये वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूं। अभी तक जैसे ही इस साल का ब्राउज रहेगा वो भी मैं आपको अपडेट दूंगा, ठीक है। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, कैंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेंशन किया है, आप मुझे उधर ही फॉलो कर सकते हो। हो सकता है कभी मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊँ बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीज़न, तो मैं उधर ज़रूर कोशिश करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।